एक बार स्वागत है और अब बात करेंगे तोतुका भवन में मैं भी चौकीदार हूँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो हाथों में टैटू गुदवा रहे हैं और हाथों में लिखवा रहे हैं कि मैं भी चौकीदार हूँ। तो तोतुका भवन में भी मैं हूँ चौकीदार का ये कार्यक्रम चल रहा है और आपको बता दें कि यहाँ पे बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो हाथों में टैटू गुदवा रहे हैं और टैटू में ये लिखवा रहे हैं कि मैं भी चौकीदार हूँ। मैं भी चौकीदार हूँ। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज देश भर के चौकीदारों को संबोधित करेंगे। राजस्थान के जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ के चौकीदार जो हैं आज लाइव कनेक्ट होंगे प्रधानमंत्री से। इस वक्त जयपुर के तोतुका भवन में जबरदस्त उत्साह देखा जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है जो टैटू गुदवाने का जो दौर चल रहा है, ये जो चौकीदार है इनके हाथ में आप टैटू देख सकते हैं कि मैं भी चौकीदार हूँ। हर किसी के हाथ में ये टैटू गुदे हुए, जो भी यहाँ पर कार्यकर्ता आ रहे हैं वो खुद को चौकीदार बता रहे हैं देश का। उनसे बातचीत करेंगे किस तरह का उत्साह है। जी आप कहाँ से आए हैं, किस तरह का उत्साह है, ये हाथ में जो टैटू गुदवाया आपका किस उद्देश्य के साथ? सर, ये मोदी जी जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए चौकीदार हैं उसके लिए सहभागी हम भी हैं। मैं किशनपुर विधानसभा विस्तारक हूँ, रामसाई नोरा। ये अपने देश का जो अभी चल रहा है, राहुल गांधी जी ने उनको चोर बताया तो हम सब उनके साथी मोदी जी के अंगरक्षक मानिए, चौकीदार मानिए, हम सब उनके साथ में हैं। और घर घर मोदी, हर हर मोदी। और ये 2019 का चुनाव जो एक नए मोदी जी के युग का चुनाव है, इसलिए इसमें मोदी जी हर लोग जो चौकीदार बन रहे हैं, सारा हिंदुस्तान चौकी बन रहा है। आप देखिए लगातार उत्साह का यहाँ पर माहौल है, हर कोई चौकीदार बन रहा है इस वक्त। यहाँ पर जो टैटू गुदवाने का दौर है, हमारे सहयोगी आपको बताएंगे किस तरह से उत्साह है यहाँ पर। लगातार यहाँ पे हर कोई कार्यकर्ता जो है अपने हाथ में टैटू गुदवाने के बाद में अंदर हॉल में एंट्री कर रहा है। जो टैटू गुदवा रहे हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। जी किस तरह का उत्साह है कांवट साहब, आपने खुद चौकीदार बन गए? बिल्कुल बिल्कुल, कार्यक्रम का संयोजक होने के नाते मैंने एक ऐसी व्यवस्था यहाँ पर लागू करने की सोची जो पूरे भारत में कहीं नहीं हो। जब प्रधानमंत्री चौकीदार जो एक ट्रस्टी की भांति देश की रक्षा कर रहा है, रखवाली कर रहा है, हम चाहते हैं कि हर जन के मन में ये बात आए, चाहे वो स्वच्छता से जुड़कर चौकीदारी करे, चाहे सफाई से करे, चाहे पर्यावरण से करे, चाहे एजुकेशन के खिलाफ लड़ाई करके करे, किसी भी अन्याय के विरुद्ध लड़ना अपने आप में चौकीदारी करना है। हमारे साथ कई और चौकीदार टी शर्ट पहन के आए हुए हैं ये चौकीदार, किस तरह का उत्साह है आज? उत्साह बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब प्रधान सेवक इस देश के चौकीदार हो सकते हैं तो हर एक नागरिक भारत देश का चौकीदार हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई महिला चौकीदार भी यहाँ पर टैटू बनवा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ में है कई महिला कार्यकर्ता, भाजपा से, भाजपा की जुड़ी हुई कार्यकर्ता। जी आप में काफी उत्साह नजर आ रहा है। इस कार्यक्रम में हम बाहर से आए हैं और मैं बहुत ही उत्साहित हूँ कि हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे देश के प्रधानमंत्री बने, ये इसलिए हमारे बहुत गर्व का विषय है हमारे लिए। तो और मैं कहना चाहूँगी कि पूरी जनता पूरे तन मन धन से हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे विश्व में हमारा यहाँ पे मान बढ़ाया है। तो मैं सभी से कटिबद्ध निवेदन करना चाहूँगी कि पुनः मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। जी इस वक्त दौर बना हुआ है, लगातार कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला जारी है और कुछ ही देर में जब प्रधानमंत्री इन चौकीदारों को संबोधित करेंगे तो यहाँ का उत्साह देखते ही बनेगा। अपने सहयोगी के साथ मदन कलाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।